हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू पेज नंबर 36, चैप्टर द वंडर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। टुडेज ग्रैंड पेरेंट्स एड अनदर पर्सपेक्टिव। दे मे स्टिल प्रोवाइड द मिल्क एंड कुकीज, द वॉर्म हग्स एंड द लिटिल एक्स्ट्रास, बट अ विजन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स हैज़ चेंज्ड। वी नो लॉन्गर इमेजिन द ओल्ड मदरली वूमेन इन अ हाउस ड्रेस निटिंग बूटीज एंड द ग्रे हेयर्ड मैन smoking his pipe in the rocker on the front porch. Grandparents today are multidimensional. They are still comparatively young and are doing amazing things. They are vital, active, intelligent, interesting, with a wealth of information and knowledge. They swim, lift weights and go camping. क्या बताया गया है जो आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव मतलब कि व्यू पॉइंट सोचने का नज़रिया अलग है। वो मिल्क कुकीज़ मिल्क के साथ बिस्किट्स छोटे छोटे काम ये जो करते थे वो पहले, अब हमारा जो विजन है देखने का नज़रिया है ग्रैंड पेरेंट्स को वो टोटली चेंज हो चुका है। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो बूढ़े दादा दादी हैं जो जो दादी होती थी वो बैठकर स्वेटर बनाती थी छोटे छोटे बूट बनाती थी और जिसके ग्रे हेयर थे सफ़ेद बाल थे और जो दादाजी थे वो रॉकिंग चेयर पर बैठकर पोर्च में पोर्च के सामने रॉकिंग चेयर पर बैठकर अपनी पाइप के थ्रू स्मोक करते थे। आजकल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो अपने आप को यंग के साथ कंपेयर करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं और उनको बहुत सा ज्ञान भी है। उनको आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बहुत नॉलेज रहती है। वो स्विमिंग कर सकते हैं, वेट उठा सकते हैं और कैंपिंग घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। When children see older persons continuing to live active lives, they see that good stuff comes with aging. Instead of fearing the aging process, they learn how to age gracefully. They do not view the older population as frail, unwell and scary. Frail का मतलब होता है कमज़ोर और scary का मतलब होता है डरावना, दहशतपूर्ण। जब बच्चे यानी कि जो दादा दादी के पोते पोतियां हैं जब वो देखते हैं ओल्ड पर्सन्स को, अपने दादा दादी को देखते हैं कि वो कैसे एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर भी स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है। इसलिए उनको एज्ड होने में डर नहीं लगता। और जो ग्रैंड पेरेंट्स एज्ड हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने जीवन को ग्रेसफुली अच्छे से जीने के लिए समर्थ हैं। दे डू नॉट व्यू द ओल्डर पॉपुलेशन एज फ्रेल, अनवेल एंड स्केरी। मतलब कि जो बच्चे हैं वो ये नहीं सोचते जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो क्या है, कमज़ोर है, डरी हुई है या अस्वस्थ है। Likewise, the more the elders interact with children and young people, the less hesitant. Hesitant का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। They seem to be. A lot of elders are scared of teens, but if they sit down with one and get into a dialogue, they see the goodness in them. Similarly, if the youngsters interact with the elders, they find out a lot about their human attributes. Attributes का मतलब होता है विशेषताएँ, गुण, qualities. It is beneficial to both the young and the old alike to have a relationship with someone at the opposite end of life. क्या मतलब है इसका? उसी तरह द मोर द एल्डर जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, वो जितना ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे यंग लोगों से, उनकी हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और अ लॉट ऑफ एल्डर्स आर स्केयर्ड ऑफ, जो ज़्यादातर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें डर लगता है टीनेजर से बात करते हुए, लेकिन अगर वो उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो उनके अंदर अच्छी बातें पाएंगे। उसी तरह ही जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने बुज़ुर्गों के साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इंटरेक्ट का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। और वो देखेंगे, यंगस्टर्स देखेंगे कि उनको उनकी बहुत अच्छी सी
क्वालिटीज़ नज़र आएंगी, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो उन्हें सीखने को मिलेंगी। आपस में बात करना ये यंग और ओल्ड दोनों के लिए ही लाभदायक है, और इससे क्या होगा, उनके जीवन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा और वो एक दूसरे को समझेंगे। लास्ट पैराग्राफ इज़ दीज डेज मोर एंड मोर ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। मिलियंस ऑफ एल्डर्स आर डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंड पेरेंट। चिल्ड्रन आर डेवलपिंग अ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू देम एंड आर एक्सपीरियंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ अनकंडीशनल लव। इट इज़ द ओनली रिलेशनशिप, सेज डॉक्टर आर्थर कॉरन बेर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ग्रैंड फॉर ग्रैंड पेरेंटिंग, इन विच पीपल आर क्रेजी अबाउट ईच अदर सिंपली बिकॉज दे आर ब्रीथिंग। आजकल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन के जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ एल्डर्स आर डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंड पेरेंट। बहुत से ग्रैंड पेरेंट ऐसे हैं जिनको कि बहुत खुशी होती है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हैं, और जो बच्चे हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना शर्त के प्यार, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, उस प्यार का अनुभव ले रहे हैं और ख़ुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर आर्थर ने भी कहा है यही एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लोग क्रेजी रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, पागल रहते हैं एक दूसरे को जानने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि दे आर ब्रीथिंग, मतलब कि जब इंसान में सांस है, जब तक इंसान जीवित है तब तक वो एक दूसरे को समझने की क्षमता रखता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम मर जाते हैं तब हमें नहीं पता लगता क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा, लेकिन जब हम जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो हम रिश्तों की महत्ता को समझते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, उन दोनों को एक दूसरे की समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, जिससे आपस में क्या हो, एक हेल्दी एटमोसफियर फैमिली में क्रिएट हो सके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल। टिल देन टेक केयर।